Good morning. Hello and welcome to our show, Sports Cafe, our special morning show where we'll discuss the major sports stories which made headlines in the newspapers. Apart from that, we'll also discuss ki diet plays an important role in our perfect well-being. Janenge apni nutritionist se, saath hi dekhenge ki aaj kaun-kaun se mukable khas taur par hone wale hain. So we have this and much more for you in the next half an hour. And to discuss more on this, we are joined by an expert in the studio, Mr. Hemant Rastogi from Amar Ujala newspaper. Welcome to the show, sir. Good morning, Gitasha. Good morning. So let's begin with the headlines first. वो कौन-कौन सी सुर्खियां हैं जिन्होंने अखबारों में अपनी जगह बनाई? IPL geared up for start of its 10th season, opening ceremony to be hosted in 8 cities. And India reports third highest cases of sports doping in the world. And doubles combination not yet finalized, says India's Davis Cup captain Mahesh Bhupathi. वहीं दीपा कर्माकर सेट टू मिस एशियन चैंपियनशिप ड्यू टू ACL सर्जरी. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट हेडलाइन कि IPL आज से शुरू होने वाला है, मई तक ये चलेगा, 10th सीजन है, तो किस किस पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन सी टीम आगे होगी, एक नजर डालते हैं किस तरह से ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है. लिखा है मेल टुडे ने, जंबूरी बिगिंस, IPL टू किक ऑफ विदाउट सम बिग स्टार्स, SRH टू टेक. वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, नॉट क्वाइट अ परफेक्ट इन, अ डेकेड आफ्टर इट स्टार्स द बेंचमार्क फॉर 2020 लीग्स, इज द IPL स्टिल ब्लेजिंग द ट्रेल व्हेन इट कम्स टू. एंड हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, डेविड वॉर्नर लर्क्स एज सनराइजर्स ऑन IPL. तमाम अखबारों ने अलग अलग खबरें छापी हैं. वहीं दैनिक जागरण लिखता है, सनराइजर्स से टकराएंगे चोटिल चैलेंजर्स, गत विजेता और उपविजेता के बीच मुकाबले से आज होगा IPL 10 का आगाज. वहीं हिंदुस्तान लिखता है, बड़े क्रिकेट सितारों की गैर मौजूदगी में IPL का धूम धड़ाका आज से. और अलग अलग अखबारों ने कुछ सिमिलर हेडलाइंस के साथ खबर को छापा है. वहीं अमर उजाला लिखता है, IPL की पहली जंग हैदराबाद और RCB में, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और हैदराबाद सनराइजर्स के बीच आज मुकाबला होगा. दैनिक भास्कर ने भी यही खबर छापी है और सीधा प्रसारण 8 बजे से आप देख सकते हैं आज. तो IPL की हम बात करें तो हेमंत जी, एक चीज़ जो लग रही है कि विजेता और उपविजेता के बीच मुकाबला है, तो आज से जो सीज़न है वो सरप्राइज के साथ शुरू हो रहा है. दाव लगाए जा रहे हैं RCB पर, बहुत सारे कयास लग रहे हैं, लेकिन हैदराबाद एक सरप्राइज के साथ आया है पिछली बार भी, तो इस बार भी क्या कुछ लगता है? देखिए, हैदराबाद की अच्छी टीम है, डेविड वार्नर उसके कप्तान हैं, और ये जो पहला मुकाबला हैदराबाद में होने जा रहा है, इसमें एज मैं कहूँगा कि हैदराबाद के ही साथ है, क्योंकि एक तो वो अपने घरेलू मैदान पर खेलेंगे, उसके अलावा जो RCB के पास उनके कई मुख्य खिलाड़ी नहीं है. विराट कोहली उनके जो रेगुलर कैप्टन है, वो अभी कुछ मैचेस नहीं खेलेंगे चोट के चलते. AB डिविलियर्स भी नहीं है, KL राहुल भी नहीं है, तो एक बड़ा झटका है बेंगलुरु टीम के लिए. लेकिन मुझे लगता है कि आगाज़ इस टूर्नामेंट का बहुत अच्छा रहेगा. और तो नाम भी दिया गया इंजर्ड प्रीमियर लीग, बिल्कुल, ये भी हाँ. कहा जा रहा है बहुत सारे बड़े खिलाड़ी इंजर्ड हैं, अभी कई बड़े खिलाड़ी इंजर्ड हैं इस लीग के लिए. काफ़ी कई बड़े नाम बताया जा रहा है कि अश्विन जैसे, मुरली विजय और उमेश यादव, रविंद्र जडेजा. भारतीय टीम का तो पूरा जो घरेलू इतना बड़ा सत्र खेल करके आई है, उसके चलते उनके कई खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे. लेकिन मुझे लगता है कि बावजूद इसके, इस टूर्नामेंट की कोई जो लोकप्रियता या उसका चार्म है, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली, क्योंकि इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा मेला है ये IPL. यहाँ पर अगर आप विराट कोहली को नहीं देखोगे तो डेविड वार्नर को देख लोगे, और अगर कोई भी मतलब एक कोई खिलाड़ी नहीं है तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं इस टूर्नामेंट में, तो चार्म कम नहीं होने जा रहा है. और इसी वजह से BCCI ने, जो IPL गवर्निंग काउंसिल है, उन्होंने भी क्या नाम इस बार नए नए प्रयोग करने जा रहे हैं. पहले एक ही ओपनिंग सेरेमनी हुआ करती थी IPL की, अब 8-8 ओपनिंग सेरेमनी होंगी, मतलब हर टीम के वेन्यू पर एक
पावर पैक ओपनिंग सेरेमनी आधे घंटे की देखने को मिलेगी, मतलब T20 का मुकाबला है तो T20 के स्टाइल में ही ओपनिंग सेरेमनी होगी। उसमें बॉलीवुड का भी तड़का होगा, नाच भी होगा, गाना बजाना सब होगा, तो पूरा मजा आने वाला है दर्शकों को। इसके पीछे मेरी एक BCCI के बड़े अधिकारी से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि 8 ओपनिंग सेरेमनी करने की वजह ये है कि पहले एक ही एक ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी कर दी जाती थी, तो दूसरे शहरों के दर्शकों को उसका लुत्फ नहीं मिल पाता था। तो हमने इस बार एक नया प्रयोग किया है कि कम से कम हर मेजबान शहर में एक ओपनिंग सेरेमनी की जाए, और वो एक नया प्रयोग ये भी करने जा रहे हैं कि अब जिस भी ओपनिंग शहर में ओपनिंग सेरेमनी होगी तो जो मेजबान कप्तान होगा वो मेहमान कप्तान को उसको अगवानी करने के लिए आएगा, तब उसका ओपनिंग सेरेमनी का आगाज होगा। और इस बार जो ग्राउंड में जो LEDs वगैरह जो लगी होती हैं, जिन पे आपने बहुत अच्छे से बताया ओपनिंग सेरेमनी में क्या क्या होने वाला है, जो दर्शक अब देखना चाहेंगे उनकी उत्सुकता और बढ़ गई होगी। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, RCB की हम बात करें, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, विराट नहीं होंगे, डिविलियर्स नहीं है अभी फिलहाल, राहुल सरफराज, कुछ ऐसे नाम जिन पर दाव लगाया जाता है, ऐसे ही आज के मैच को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, क्रिस गेल इतने बड़े खिलाड़ी हैं, वो तो अगर अपने दम पर किसी भी मैच का नक्शा बदल सकते हैं, तो बेंगलुरु की टीम काफ़ी हद तक इस बड़े खिलाड़ी पर निर्भर करेगी, मुझे लगता है क्रिस गेल, और हैदराबाद की पूरी कोशिश ये रहेगी कि कैसे इस खिलाड़ी को नकेल कस दें और अपना मुकाबला जो है अपनी गिरफ्त में ले लें। और दोनों ऑस्ट्रेलियाई जो खिलाड़ी हैं कैप्टन के रूप में आमने सामने होंगे, तो ये भी एक रोमांच होगा। बिल्कुल रोमांच होगा, और एक तरीके से शेन वॉटसन तो सारे संस्करणों से विदा ले चुके हैं क्रिकेट के, लेकिन T20 में IPL में खेल रहे हैं और बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं, और मुझे लगता है कि वो अपने तर्कश से कोई ना कोई ऐसा तीर निकालेंगे कि डेविड वार्नर को परेशान करें। तो विराट के लिए अच्छा मौका बाहर बैठकर दोनों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के बीच में क्या स्लेजिंग होती है ये देखने का। बिल्कुल, स्लेजिंग तो देखिए क्या होगी, क्योंकि ये T20 का मुकाबला है, लेकिन मुझे नहीं लगता स्लेजिंग ब्लेजिंग इतनी ज़्यादा होगी, लेकिन मुकाबला बहुत ज़ोरदार होने वाला है और दोनों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, और देखते हैं कि हम वतन क्या करते हैं आज खास कप्तान के तौर पर। बढ़ते हैं अगली हेडलाइन की ओर, अगली खबर की ओर, कि किस तरह से वाडा ने जो एक लिस्ट जारी की है, तीसरे साल तीसरी बार भारत जो है वो तीसरे रैंक पर आ गया है डोपिंग के मामले में, मामले बड़े हैं, एक नजर डालते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, इंडिया स्कोर हैट्रिक इन वाडा शेन चार्ट, प्लेस थर्ड अगेन, और इस खबर को प्रमुखता के साथ छापा गया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी लिखा है, इंडिया रैंक थर्ड अगेन इन वाडा डोपिंग चार्ट। वाडा की इस चार्ट की अगर हम बात करें तो दैनिक जागरण ने भी लिखा है, डोपिंग तालिका में तीसरे स्थान पर भारत, देश के कुल 117 खिलाड़ियों को दोषी करार दिया गया है, जिसमें है 79 खिलाड़ी, और हिंदुस्तान लिखता है, डोप की शर्मिंदगी में भारत विश्व में तीसरे नंबर पर। इस खबर को तमाम अखबारों ने सुर्खियों के साथ छापा है। वहीं अमर उजाला लिखता है, डोप के दागियों में फिर मिला तीसरा स्थान। तो 117 खिलाड़ी हर साल अगर हम देखें इजाफा ही हो रहा है, क्यों ये चीज़ें अब सामने लाई जाती हैं बाद में, और बहुत सारे मेडल्स फिर बाद में वापस ले लिए जाते हैं। और अगर हम ताज़ा केसेस की बात करें, रियो ओलंपिक में ही 2-3 खिलाड़ियों के साथ ऐसा हुआ, भारतीय खिलाड़ियों के साथ, तो आपको लगता है जो नियम है और ज़्यादा सख्त हो जाने चाहिए? देखिए, नियम बहुत सख्त हो चुके हैं, जो वाडा का 2015 का कोड है वो इतना सख्त है कि अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो डोपिंग की बीमारी से पूरी तरीके से निजात मिल सकती है। लेकिन दुख वाली बात यह है कि अभी तक दुनिया के कई देशों ने जो वाडा का 2015 का कोड है उसको लागू ही नहीं किया है अपने यहाँ। भारत में भी वाडा का 2015 का कोड लागू नहीं किया गया है। जो वाडा के तो 2015 कोड है क्या असल में?
कोच दरअसल उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने यहाँ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज को लागू करनी है, लेकिन वो नियम जो वो कानून है वो अपने यहाँ लागू नहीं कर पा रही है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज। जैसे वाडा कोड में कहा गया है कि भारत को क्या किसी भी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को अपने यहाँ डोपिंग को लेकर के कानून बनाना चाहिए। अब आप कानून तो यहाँ कैसे बना सकते हो, पहले उसको भाई कानून बनाइए, फिर उसको आम जनता की राय लीजिए, फिर कैबिनेट में लेकर के जाइए, फिर पार्लियामेंट में लेकर के जाइए, पार्लियामेंट जब उसको पास करेगा तब कानून बनेगा। उसमें काफ़ी कई सारी हर्डल्स हैं। विसिंग ब्लोअर का एक कानून है कि विसिल ब्लोअर पॉलिसी लेकर के आनी है, और उस कई ऐसी चीज़ें हैं जो लागू करनी है जो नाडा लागू नहीं कर पा रहा है। अब अभी जो लुजान में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पर वाडा ने काफ़ी सख्ती दिखाई है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज पर कि नहीं भाई आप कानून हमारा कोड है उसको लागू करिए। तो अब नाडा ने खेल मंत्रालय को प्रस्ताव दिया है कि हम डोपिंग को लेकर के कानून लेकर के आना चाहते हैं, तो आप इस पर हमारा साथ दीजिए। तो मंत्रालय ने भी बोला है कि हाँ हम इस पर सहमत हैं, आप प्रस्ताव बनाइए, हम इसको कैबिनेट में लेकर के जाएंगे। लेकिन ये शर्मनाक बात है कि लगातार एक के बाद एक संख्या बढ़ रही है। 91 केसेस थे। रशियन फेडरेशन की बात करें तो 176 है, इटली 129, और इंडिया के अब जो मामले पाए गए हैं वो 117 खिलाड़ियों पर गाज गिर सकती है। 117 खिलाड़ियों पर गाज गिर चुकी है। ये वो खिलाड़ी है जिनके ऊपर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के हियरिंग पैनल ने सजा सुना दी है। अभी कई ऐसे मामले हैं जिनकी सुनवाई मामले हियरिंग पैनल में चल रही है, वो इस सूची में नहीं आए। ये 31 दिसंबर 2015 तक की सूची है। नाडा को डर ये था, ये मेरी नाडा के महानिदेशक हैं डायरेक्टर जनरल नवीन अग्रवाल से बात हो रही थी, तो उनको ये डर सता रहा था। वो खुद कह रहे थे कि मुझे डर है कि 2015 की हम सूची में कहीं तीसरे स्थान से दूसरे स्थान पर ना आ जाएं। अच्छा। क्योंकि 2015 में बहुत सारे केसेस थे डोपिंग के, तो लेकिन दूसरे स्थान पर ही ना, क्योंकि इटली के भी नंबर्स बढ़ गए, 129 पे उनकी संख्या चली गई। लेकिन जो गैप हुआ है दूसरे और तीसरे स्थान का इटली और भारत के बीच, वो घट करके काफ़ी कम आ गया है। 117 केस भारत के हैं, 129 केस इटली के हैं। अगर आप साल 2013 और 2014 की लिस्ट पर नज़र डालेंगे तो 91 केसेस 2013 में थे, 96 केसेस 2014 में थे। तो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अगर हम बात करें, जो ताज़ा मामला अगर हम देखें, सबसे पहले जो प्रकाश में आया था वो ये था शोएब अख्तर का, चैंपियंस ट्रॉफी से उन्हें 2 साल के अंदर कहा गया था कि आपको अब नहीं खेलना, वापस बुला लिया गया था। पुरानी बात, बहुत सारी चीजें हैं। नरसिंह यादव की अगर हम बात करें या फिर सिंह की बात करें रियो ओलंपिक में खास तौर पर, तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर अभी हमें काम करना है, और यहीं से हमें खिलाड़ियों को एक अच्छी छवि के साथ भेजना होगा भारत से। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा इस पे बहुत गहराई का विषय है, इसको बहुत अच्छे तरीके से लागू करने वाला। जैसे आप कह रहे थे पनिशमेंट वाली बात, अब वो पुरानी बात हो चुकी है, 2 साल के प्रतिबंध वाली बात। वाडा ने बहुत सख्ती से अब प्रतिबंध को बढ़ा करके फर्स्ट ऑफेंस में 2 साल से 4 साल का कर दिया, यानी कि अगर आप पहली बार में ही पकड़े गए तो 4 साल का प्रतिबंध लगा आपके ऊपर, इसके मतलब आपका करियर ओवर, आप बच नहीं सकते हो। कानून बहुत सख्त है, नियम बहुत कठिन है, लेकिन शॉर्टकट इतना अपनाया जा रहा है सिर्फ एक अदद नौकरी पाने के लिए कि भारत में सिर्फ भारत एक सुपर पावर नहीं है स्पोर्ट्स का, लेकिन बावजूद इसके रशिया और इटली अगर डोप में बहुत बड़े लेवल पर आ रहे हैं सामने, तो वो पावर हाउस है स्पोर्ट्स के, वो ओलंपिक में भी वैसे ही करके तो दिखाते हैं। सरकारी नौकरी की आपने एक बहुत खास बात कही कि खिलाड़ियों के दिमाग में होता है, बिल्कुल खिलाड़ी बात अलग है कि सरकारी स्कूलों में कोई नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन सरकारी नौकरी हर कोई करना चाहता है, बिल्कुल करना चाहता है। और इसी वजह से कि एक नेशनल चैंपियनशिप में, एक नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन में आप मेडल ले आइए तो आपकी सरकारी नौकरी के चांस बहुत पक्के हैं। तो ये शॉर्टकट इस वजह से ज्यादा अपनाया जाता है कि डोपिंग कर लें भाई, इंजेक्शन ठोक लें या स्टेरॉइड्स ले लें तो हम अपनी परफॉर्मेंस एनहांस कर लेंगे। तो ये बीमारी उस, मेरे को लगता है कि उस वजह से ज्यादा है, ये जो दिमागी फितूर है कि हम थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे, इस पर रोक लगाई जा रही है। नाडा भी काफ़ी अब स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे लोगों को जागरूक कर रहा है, और कई
तरीके के कोर्सेज और प्रोग्राम भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत है। जब तक वाडा 2015 कोड पूरी तरीके से अपनाएगा नहीं नाडा, तब तक ये बीमारी इस देश में ऐसे ही लगी रहेगी और आने वाले टाइम में 2015 और 2016 और 17 की जो सूची आएगी आने वाले साल में, कोई बड़ी बात नहीं है कि भारत इसमें दूसरे स्थान पर पहुंच जाए। हालांकि नाडा के डीजी ने भरोसा दिलाया है कि इस सूची में हम नीचे जाएंगे, चौथे स्थान पर आएंगे, अब ऊपर नहीं बढ़ेंगे। यही उम्मीद कर सकते हैं कि किस तरह से भारत की छवि सुधर सकती है और उस पर तमाम कोशिशें अभी फिलहाल की जा रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम डेविस कप, अब बात करेंगे डेविस कप की, डबल्स कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं, अभी उज्बेकिस्तान के साथ मुकाबला होने वाला है लेकिन प्लेयर्स डिसाइड नहीं किए गए हैं। एक नजर डालते हैं किस तरह से अखबारों ने इस खबर को छापा है। भूपति टॉक्स रेट्रिक, द नॉन प्लेइंग कैप्टन इज स्टिल अनश्योर ऑफ डबल्स पेयरिंग अहेड ऑफ डेविस कप टाई। मेल टुडे ने ये खबर लिखी है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है भूपति कीप्स डोर अजा फॉर पेस। और अभी भूपति को लेकर भी बहुत सारे बयान आए थे कि किस तरह से अब वो इसको देखते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है डेविस कप डबल्स कॉम्बिनेशन नॉट येट फाइनलाइज्ड सेज भूपति। We have four options. अभी options की बात की जा रही है। दैनिक जागरण लिखता है डबल्स का संयोजन अभी तय नहीं, भूपति का ये कहना है। वहीं अगर हम बाकी अखबारों की बात करें तो हिंदुस्तान ने लिखा है पेस के युगल में खेलने पर अभी भी पसुपेश, स्टोमिन मुकाबले से बाहर हैं। वहीं अभी सर्वश्रेष्ठ जोड़ी की अगर हम बात करें तो उस पर भी तय किया जाना बाकी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है 3 अंक जीतना है लक्ष्य, भूपति का ये कहना है। गैर खिलाड़ी कप्तान भूपति की अगर हम बात करें तो अभी 3 अंक की बात की जा रही है और बहुत सारी कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन कौन अब खेलेगा, किससे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। देखिए लगातार बात की जा रही है, हम विवादों में ही लेकर के हमेशा बात करते हैं कि डबल्स की टीम अभी तक तय नहीं हुई, डबल्स की टीम तय नहीं हुई है। अरे भाई कप्तान है, कुछ के लिए कुछ, जाने जाते हैं आजकल हम। सिंगल्स की कोई बात नहीं कर रहा है, सिंगल्स के 4 मुकाबले होने, डबल्स का 1 मुकाबला होना। महेश भूपति ने भी यही कहा है कि 1 डबल्स का मुकाबला होना, हमारा मेन फोकस सिंगल्स को लेकर के है कि यूकी भांबरी चोटिल हो चुके हैं, 3 खिलाड़ी बचे हैं, श्रीराम बालाजी, प्रजनेश गुणेश्वरन, राम कुमार रामानाथन, इन तीनों में से किन खिलाड़ियों को सिंगल्स में उतारा जाए। तो खुशी की बात यह है कि उज्बेकिस्तान के डेनिस स्टोमिन जो इतने बड़े प्लेयर हैं और बड़े बड़े खिलाड़ियों को हराते आए हैं वो बाहर हो गए हैं, उनके पैर में चोट निकली है और कल उज्बेकिस्तान टीम के टीम ने ये साफ भी कर दिया है कि वो उन्हें बुधवार तक, आज तक बेंगलुरु पहुंचना था लेकिन वो चोट के चलते नहीं आ रही है। बहुत बड़ी खुशखबरी है भारत के लिए, स्टोमिन के होने से भारत को सिंगल्स में झटका जरूर लगना था, अब ये मुकाबला बिल्कुल बराबरी का है। अब श्रीराम बालाजी भी हैं, जिन 2 खिलाड़ियों की आपने बात की खासतौर पर राम कुमार और प्रजनेश की, उसके अलावा बालाजी पर भी बहुत दारुमदार है बालाजी। अब देखिए वो ये भूपति पर डिपेंड करेगा कि वो प्रजनेश को खिलाते हैं या बालाजी को खिलाते हैं। प्रजनेश और बालाजी में से 1 खिलाड़ी को सेकंड सिंगल्स में खिलाया जाए, क्योंकि राम कुमार रामानाथन अब नंबर 1 प्लेयर बन चुके हैं तो वो पहले सिंगल्स में खेल सकते हैं। तो अब इन दोनों में से एक ही खिलाड़ी उतरेगा, अभी तक उन्होंने डबल्स कॉम्बिनेशन तय नहीं किया है। और महेश ने यह भी कहा है कि 130 मीटर पर आवर की एबिलिटी का सर्व रखने की ताकत रखते हैं तीनों खिलाड़ी, तो इस पर अभी हमें बहुत जल्दी निर्णय करना होगा, 7 से 9 तक ये शुरू होगा। देखिए जो ये बात भूपति ने बोली है ये कहीं ना कहीं, हालांकि कल जो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें रोहन बोपन्ना नहीं आए थे, लिएंडर पेस की सर्विस इतनी तेज नहीं है और जो सरफेस मिला है डेविस कप के लिए, भूपति बोल रहे हैं कि थोड़ा तेज सरफेस है, तो हमें ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो तेज सर्विस करने वाला है। रोहन बोपन्ना इस वक्त भारतीय खेमे में सबसे तेज सर्विस करने वाले खिलाड़ी, उनकी सर्विस 200 किलोमीटर के आसपास तक जाती है और कंसिस्टेंटली वो 175 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सर्विस करते, तेज सर्विस करते हैं। तो ये सब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इशारा करते हैं कि बोपन्ना को खेलना चाहिए, लेकिन अब देखेंगे वो 1-2 दिन का समय और लेना चाह रहे हैं भूपति कि प्रैक्टिस में अभी कल ही पेस आए हैं वहां पर और दोनों को देखेंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिस हो रही है। वेदर भी बहुत अच्छा है, बेंगलुरु का वेदर अच्छा है, वेदर भी भारत को फायदा करने जा रहा है, सूट करने जा रहा है। अब मैं कुल मिलाकर के कहूंगा भारत के पक्ष में पड़ रहा है क्योंकि स्टोमिन
बाहर हो गए, बाहर हैं, होम एडवांटेज भी है और वर्ल्ड ग्रुप पर नजर होगी इस परफॉर्मेंस के साथ अगर हम डेविस कप की बात करें तो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो है जिमनास्ट से जुड़ी हुई। दीपा कर्माकर चोटिल हो गई हैं, अगली चैंपियनशिप की अब बात करें तो उससे वो बाहर रहेंगी। एक नजर डालते हैं, मेल टुडे कहता है कर्माकर अंडरगोज नी सर्जरी। दीपा कर्माकर टू मिस एशियन चैंपियनशिप आफ्टर अंडरगोइंग नी सर्जरी, इसको लेकर अखबारों ने खबर छापी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है दीपा कर्माकर अंडरगोज नी सर्जरी टू मिस एशियन चैंपियनशिप। एशियन चैंपियनशिप से नदारद होंगी इस सर्जरी की वजह से। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है दीपा कर्माकर गोज अंडर द नाइफ, और दीपा से काफी उम्मीदें हैं और एक ऐसा नाम जहां पर आकर सबकी निगाहें टिकती हैं कि नहीं यहां से हमें मेडल मिल सकता है। दैनिक जागरण लिखता है जिमनास्ट दीपा के घुटने की हुई सर्जरी, और हिंदुस्तान ने लिखा है दीपा की सर्जरी एशियाई चैंपियनशिप से हटी। और कुछ दिनों बाद उन्होंने ये खबर ट्विटर के थ्रू अपने फैंस को दी है। वहीं अमर उजाला ने लिखा है दीपा ने ट्वीट कर कहा जल्द हो जाऊंगी ठीक, प्रैक्टिस के दौरान घुटने में लगी थी चोट। जिमनास्ट दीपा कर्माकर की हम बात कर रहे हैं। दीपा कर्माकर जो प्रोदोनोवा की हम बात करते हैं, अभी जो टाइम्स ऑफ इंडिया के अवार्ड्स हुए थे उसमें नादिया से मिली और नादिया ने कहा भी था कि चोट से बचकर रहना, वही हुआ जिसका अंदेशा था। नहीं देखिए, वो जब नादिया ने उनको ये बात बोली थी जब ये फंक्शन हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया का, तो उससे पहले ही उनको चोट लग चुकी थी और वो चोट की स्थिति में ही वहां पर उस तो ये खबर उन्होंने बाद में दी है सब अपने नहीं फैंस बाद में क्या दी, काफी टाइम से ये बात चल रही थी, पिछले एक डेढ़ सप्ताह से बात चल रही थी कि उनको, क्योंकि ये उनकी पुरानी चोट है घुटने की चोट, तो उसको लेकर के उनकी चोट बढ़ती चली जा रही थी और फिर डिसीजन लिया गया कि भाई किसी अच्छे विशेषज्ञ को दिखाया जाना चाहिए। तो फिर निर्णय लिया गया कि डॉक्टर अनंत जोशी सबसे बेहतर हैं, सचिन तेंदुलकर का की सर्जरी की थी। सचिन का इलाज कर चुके हैं, सचिन के अलावा बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स, गीता का भी उन्होंने ऑपरेशन किया था, कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को ऑपरेशन कर चुके हैं वो। तो फिर अनंत जोशी के पास लेकर के जाया गया तो अनंत जोशी ने सजेस्ट किया कि ये बिल्कुल राइट टाइम है इसकी घुटने की सर्जरी करने का, और क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स अगले साल है, इस साल कोई बहुत बड़ी चैंपियनशिप नहीं है। हालांकि एशियन चैंपियनशिप अगले माह बैंकॉक में होनी थी, उसमें वहां दीपा को जाना भी था, लेकिन अब 18 मई को उस चैंपियनशिप में अब भाग नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। हम सबके लिए थोड़ी निराशा की खबर, लेकिन ये जरूरी है कि उनकी सर्जरी, उनको आराम देना बहुत जरूरी था। अब एक नज़र डालते हैं कि डाइट हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, अच्छा खान पान हमारे शरीर पर किस तरह से दिखता है और कौन कौन सी सावधानियां हम बरत सकते हैं, और जानेंगे आयुर्वेदिक टिप्स हमारी को एंकर पूनम सिंह और न्यूट्रिशनिस्ट नेहा अग्रवाल से। एक नज़र डालते हैं। डॉक्टर नेहा, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नेहा, आज हम पर्टिकुलरली स्टमक के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि स्टमक को कैसे हेल्दी रखा जा सके या स्टमक को फ्लैट कैसे किया जा सके। आजकल काफ़ी ट्रेंड है ऐप्स का, स्पेशली लड़कों में ऐप्स का एक बहुत ट्रेंड देखने में आया है कि वो चाहते हैं कि उनकी जो स्टमक है वो सिक्स पैक ऐप्स हों, उसमें एकदम फ्लैट और अट्रैक्टिव दिखे। तो उसके लिए कई बार वो वाटर इनटेक और सॉल्ट इनटेक बिल्कुल कम कर देते हैं। इसके आप साइड इफेक्ट्स बताइए, और अगर ऑप्शन कोई और है तो कैसे हम लोग अपने स्टमक को फ्लैट कर सकते हैं, वो भी हमें ज़रा डिटेल में बताएं। वैसे जो आपने बताया कि सॉल्ट एंड वाटर इनटेक हमें कम करना होता है, आइडियली वो रिक्वायर्ड होता है। अगर हम एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी पर पहुंच चुके हैं कि जहाँ पे अब हमें सिर्फ एब्स पे वर्कआउट करना है और हमें सिर्फ एब्स ही वो करने हैं, तो हम कुछ दिन के लिए अपना सॉल्ट एंड वाटर इनटेक काफ़ी कम कर देते हैं। तो पर उससे काफ़ी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है बॉडी में, एंड पर उसमें भी एक चीज़ है कि हमें ना पूरा दिन का वाटर इनटेक कम से कम मिनिमम आपको 8 glasses ऑफ वाटर पे रखना ही होता है, अनलेस एंड अनटिल कि बहुत फास्ट रिजल्ट्स चाहिए या हमें सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही वर्कआउट करना होता है। तो वो हम सेलिब्रिटीज़ में नॉर्मली वो होता है कि 10 दिन का शूट है और उसमें काम करना है, तो उनकी डाइट बिल्कुल रेगुलेटेड चलती है कि पूरे दिन में लिक्विड्स हैं तो वो कितने जाने हैं, क्योंकि वाटर हर चीज़ में है, चाहे आप चाय लो, चाहे कॉफ़ी लो, चाहे दूध लो। तो हम टोटल इनटेक देखते हैं कि हमें कितना उसमें जाना है। 8 glass पानी देना है तो वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कितना पानी जा रहा है, कि हमें जूस देना है, कि हमें आपको चाय देनी है, कि ग्रीन टी पिलानी है, कि टोटल नॉर्मल वाटर देना है। तो सॉल्ट एंड वाटर कम होना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस अगर हम बिल्कुल अपना कम कर देंगे तो उससे धीरे धीरे ब्लोटिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।
तो कोई अगर रूटीन में एप्स बना रहे हैं तो इससे बेटर यही होता है कि आप अपना डिनर्स अर्ली कर लीजिए, आप अपना डिनर्स अपना 7:30 तक वाइंड अप कर दीजिए ताकि उसके बाद आपकी बॉडी में कोई सॉल्ट ना जाए. जबकि यूजुअली हमारे पैटर्न में लेट डिनर ईटिंग होती है तो जिसकी वजह से हमें कोई भी वर्कआउट या रिजल्ट्स देखने में ज़्यादा टाइम लगता है. तो वाटर बहुत कम नहीं करना चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट डायरेक्ट बॉडी पर डेफिनेटली आते हैं. कॉन्स्टिपेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से फिर बॉडी में सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है. तो हमें हमेशा टोटल इनटेक ऑफ द डे कैलकुलेट करके देना होता है. तो ये तो बात थी वाटर इनटेक की. अगर हम सॉल्ट इनटेक की बात करें तो हम कितना सॉल्ट ले सकते हैं और किस अमाउंट में या किस फॉर्म में हम सॉल्ट को इनटेक कर सकते हैं, वो भी ज़रा डिटेल में बताएं. पूनम, हमें सॉल्ट इनटेक काफ़ी कंट्रोल्ड होता है पूरे दिन में. हमें ये देखना होता है कि हर चीज़ में कितना सॉल्ट जा रहा है. एक्सेस सॉल्ट नहीं लेना होता. जो यूजुअल सॉल्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो आप करिए कुकिंग में, पर एक्सेस सॉल्ट जैसे आपके पिकल्स हो गए, चटनीज़ हो गए, पापड़ हो गए, इनको आप ना लीजिए. ऊपर से आप एक्स्ट्रा सॉल्ट ना डालिए कि जो आपने जैसे फ्रूट कट किया या सैलड कट किया तो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है जो हम डालते हैं वो ना डालें. एंड जैसे सॉसेज हो गई, ड्रेसिंग्स हो गई, ये हमें अवॉइड करना होता है. तो अगर हम ये एक्सेस सॉल्ट अवॉइड करते हैं तो विच इज़ गुड इनफ, उतने से आपके नॉर्मल सॉल्ट यूजुअल सॉल्ट से काम चल जाता है. और डॉक्टर नेहा, ऐसा कौन सा फूड ग्रुप है जो हम अवॉइड कर सकते हैं जिससे हमारा जो फैट है, स्टमक का फैट है, वो ना बढ़े? बेसिकली फूड ग्रुप्स दें, देर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड्स जो हमें अवॉइड करने चाहिए. यूजुअली रात में हमें थोड़ी सी दालें अवॉइड करनी चाहिए, राइस प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए. एंड रूटीन में आप पोटैटोज़ जो हैं वो अपनी रूटीन की डाइट में आपको एक लिमिटेड अमाउंट ही ले सकते हैं आप. राइस आप डेली अगर लेंगे तो आपकी बॉडी में डेफिनेटली फैट बढ़ेगा. राइट. और शुगर इनटेक हमें बिल्कुल अपना कैलकुलेटेड लेना चाहिए. और फ्राइड फूड्स एक सबसे पहले हम बोलते हैं फ्राइड एंड जंक फूड्स, वो अगर आपने लेने हैं तो आपको अपने लाइफस्टाइल में वो वंस अ वीक ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा. डॉक्टर नेहा, मैं आपके अभी जैसे आपने बताया दाल मैंने अभी सुना, तो दाल देखा जाए तो इंडियन अगर सोसाइटी में हम देखते हैं या इंडियन कल्चर में दाल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और शाम को दाल बनना रूटीन है. या इट्स कंपलसरी एक्चुअली. तो दालों से कैसे इफेक्ट हो जाता है और दालों को तो अवॉइड करने के, अगर हम दाल अवॉइड करते हैं तो शाम को क्या चीज़ें ले सकते हैं? दालें हमें अवॉइड नहीं करनी डाइट में, हमें दालें डेली चलनी चाहिए डाइट में, या कह लीजिए कि दालें होनी चाहिए डाइट में. पर वो हम ज़्यादातर प्रेफर ये करते हैं कि वो आप लंच टाइम में लीजिए दालें. मतलब रात को प्रोटीन एकदम अवॉइड करना चाहिए? नहीं, रात को प्रोटीन बहुत ज़्यादा प्रोटीन अवॉइड नहीं करना होता, पर दालों की वजह से काफ़ी लोगों को रात में वाटर रिटेंशन या कह लीजिए ब्लोटिंग काफ़ी होती है. okay. तो वो ओवरनाइट फील करते हैं. जैसे टिपिकल जो थायराइड पेशेंट्स हैं या जिनको PCOD की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए हम ज़्यादा बोलते हैं कि वो आप रात में अपनी दालों का इनटेक कम करें. तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर नेहा जिन्होंने हमें बताया कि कैसे हम अपने डेली डाइट में थोड़े से मॉडिफिकेशन, थोड़े से चेंजेस करके फिट रह सकते हैं. दोस्तों, फिट रहना बेहद ज़रूरी है, सुंदर दिखना भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी फिट रहना है. थैंक यू डॉक्टर नेहा. थैंक यू वेरी मच. तो दोस्तों, अब वक्त हो चुका है क्विक आयुर्वेदिक टिप का जो हमें देते हैं हमारे वैद्य विराज जी. तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वैद्य विराज जी के पास. नमस्कार. आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अगर हमें स्वस्थ रहना है तो निश्चित रूप से हमें आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ेगा. और आज का हमारा विषय है तिल. तिल को आप सभी भली भांति जानते हैं. तिल को हम अपनी रसोई में निश्चित रूप से प्रयोग आज हम करते हैं. और सर्दी के अंदर तो बहुत प्रकार से तिल का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है. तिल हमारे सभी प्रकार के 80 जो वात रोग हैं उन सबको दूर करता है हमारे शरीर के अंदर से. जो गठिया है, जो किसी प्रकार का अन्य कोई दर्द है, जो 80 प्रकार के वात रोग जो जिनको हम कहेंगे, उन सब को अकेला मात्र तिल हमारे शरीर से निश्चित रूप से दूर करता है. हमें अगर कैल्शियम की ज़रूरत है, कैल्शियम की हमारे शरीर के अंदर कमी है, तो अकेला तिल उस कमी को पूर्ण करने में सक्षम है. इसके साथ साथ जिन भाई बहनों को मूत्राधिक्य की समस्या है, जिनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, बार बार रात्रि को उठना पड़ता है या दिन में भी कई बार जाना पड़ता है, वो भी एक एक चम्मच सुबह शाम तिल का प्रयोग करके अपनी मूत्राधिक्य की समस्या को ठीक कर सकते हैं. इसके साथ साथ जिन भाई बहनों को मूत्रशैया
रोग है, अर्थात वो जो रात्रि को अपने बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, यूरिन कर देते हैं, वो भाई बहन भी तिल के लड्डू बना करके एक एक लड्डू सुबह शाम दूध के साथ वो लें तो निश्चित रूप से उनकी यह बहुत बड़ी जो एक समस्या है ये निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ तिल हृदय है, अर्थात हृदयगत जिन भाई बहनों को, जिन बुज़ुर्गों को कोई समस्या है तो उनका तिल का वो प्रयोग करके अपनी समस्त हृदयगत समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ शुक्राणुवर्धक भी हमारा ये तिल है, जिन भाई बहनों को शुक्रगत कोई समस्या है या स्पर्म काउंट कम है या नील है या लेडीज़ के अंदर एग नहीं बनता या अन्य कोई लेडीज़ प्रॉब्लम अगर उनको है तो वो भी तिल का प्रयोग करके वो बहनें वो भाई बहन सब एक एक चम्मच सुबह शाम तिल का प्रयोग करके अपनी इन सब समस्याओं को निश्चित रूप से ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, तिल हमारा पचने में बहुत भारी होता है। जिन भाई बहनों को अपचन की समस्या है, जिनको गैस्ट्रिक है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है अर्थात कब्ज की समस्या है, वो भाई बहन तिल का प्रयोग जब तक ना करें जब तक उनका पेट स्वस्थ नहीं हो जाता। तो हमने बताया तिल बहुत ही गुणों की खान है और विशेषकर सर्दी में इसका सभी भाई बहन प्रयोग करें तो हम निश्चित रूप से बड़े रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद। तो हमने जाना डाइट के कुछ टिप्स की, नमक को कब अवॉइड करें और क्या क्या खाएं रात के समय, क्या ना खाएं, और उसके बाद हमने जाना आयुर्वेदिक टिप्स में तिल के फायदे। अब एक नज़र डालते हैं कि आज कौन कौन से मुकाबले आप देख सकते हैं, कौन कौन से मुकाबले होने वाले हैं। खेलों में अगर आज हम खास बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग का 10वां संस्करण आप देख सकते हैं सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच। वहीं एनबीए बास्केटबॉल टूर्नामेंट 2016-17 के अंतर्गत गोल्डन स्टेट और मिनेसोटा के बीच मुकाबला आप देख सकते हैं। और स्पोर्ट्स कैफे में तमाम अहम खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद थे जाने माने स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हेमंत रस्तोगी जी, अमर उजाला से अपना कीमती वक्त देने के लिए, अहम खबरों पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद गीताशा। और अपने व्यूअर्स को हम बता दें अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं या कोई परामर्श बेहतर करना चाहते हैं इस शो को तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक @दूरदर्शन स्पोर्ट्स, ट्विटर @DDSportsChannel, YouTube @DoorDarshan Sports एंड ऑन Insta @DD.sports। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू इन टुडेज स्पोर्ट्स कैफे। टिल वी सी यू टुमारो, इट्स गुडबाय फ्रॉम द एंटायर स्पोर्ट्स कैफे टीम। नमस्कार।